नागपुर में बुधवार को किंग्सवे अस्पताल और ट्रैफिक नियंत्रण शाखा द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के नागरिकों को सड़क सुरक्षा के विषय पर जन जागृति की गई। नागपुर के RBI चौक पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किंग्सवे अस्पताल और ट्रैफिक नियंत्रण शाखा द्वारा किया गया था, जिसमें DCP ट्रैफिक सारंग आभाड़, ACP ट्रैफिक अजय कुमार मालवी, किंग्सवे अस्पताल के CEO डॉक्टर आशीष चंद्रा, CFO नीलेश मुंद्रा, AGM एजाज सामी, AGM रोशन फुलबांदे और वरिष्ठ व्यवस्थापक जितेंद्र लोढ़े की खास मौजूदगी रही। सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए सुरक्षा का मूल मंत्र भी दिया गया। यही नहीं, जिन वाहन चालकों ने हेलमेट पहना हुआ था उन्हें फूल देकर सम्मान किया गया। किंग्सवे अस्पताल द्वारा इस अवसर पर हेलमेट का वितरण भी किया गया, जबकि पथनाट्य के माध्यम से सड़क सुरक्षा सप्ताह के महत्व को उजागर कर सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने के प्रति जन जागृति की गई। फिलहाल हम मौजूद है नागपुर के संविधान चौक पर, जहां किंग्सवे अस्पताल की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो इस अभियान के तहत एक मैसेज देना चाह रहे हैं उन लोग की आजकल की युवा पीढ़ी जो है हेलमेट का यूज़ नहीं करती है, जो ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो नहीं करती है, कहीं ना कहीं इसी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि ये आखिर ये जो मैसेज, इसकी जानकारी हम सीधा उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये मैसेज देने के बाद आखिर कहाँ तक ये आजकल की युवा पीढ़ी इसको फॉलो कर पाएगी या नहीं। सर, इसकी जानकारी थोड़ी सी आप दे सकते हो कि ये अभियान जो है किस मतलब किस पर्पज़ से चलाया जा रहा है और एग्जैक्टली इसका उद्देश्य क्या है? मैं नीलेश मुंदड़ा रिप्रेजेंट करता हूँ CFO किंग्सवे हॉस्पिटल्स। ये किंग्सवे हॉस्पिटल्स का एक सोशल इनिशिएटिव है जिससे हम ये जागृति ला रहे हैं सोसाइटी के अंदर और लोगों के अंदर कि हमें एक्सीडेंट फ्री सिटी होना है, यही हमारा कैंपेन का मोटो है। बीइंग फ्रॉम हॉस्पिटल, हम ये रोज़ देखते हैं ट्रॉमा के केसेस, एक्सीडेंट के केसेस, और जिससे लोग हैंडीकैप हो रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, रैश ड्राइविंग ना करें, सीट बेल्ट्स एंड बाकी जो भी नियम है इसे एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करें और ना ही एज ए फोर्सफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करें, और अपने परिवार वालों की जान बचाएं। तो ये इनिशिएटिव हम अगले 7 दिनों तक रन करेंगे अक्रॉस द सिटी, ऑल मेजर स्क्वायर्स। इसमें नुक्कड़ नाटक और यमराज हमारा इसके अंदर डिपिक्ट है, जो ये मैसेज देगा सभी को कि तुम्हें मेरे से नहीं मिलना है। और बस थैंक यू वेरी मच द चैनल फॉर हेल्पिंग अस टू गेट दिस मैसेज टूवर्ड्स द पब्लिक। सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये अभियान का जो है ये ठीक तरीके से आजकल की युवा पीढ़ी फॉलो कर पाएगी? मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी चाहे इस ज़माने की थी चाहे पहले ज़माने की, आज के ज़माने की युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारी ऐसी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उनका ज्ञानवर्धन और अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सो ये उसी तरीके की एक अपॉर्चुनिटी किंग्सवे हॉस्पिटल ने नागपुर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल करके ये अभियान चलाने की कोशिश की है ताकि हमारे नागपुर के युवाओं के अंदर ये अवेयरनेस बढ़े। हमने अभी भी देखा काफ़ी जो भी लोग यहाँ पे हेलमेट पहन करके नहीं जा रहे थे वो ज़्यादातर युवा लोग थे। तो इस अभियान के ज़रिए हम दूसरे चौक पे जा कर के नुक्कड़ नाटक करेंगे, साथ में जो भी ड्राइवर विदाउट हेलमेट है उसको हम हेलमेट वितरण करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, और साथ में एक फूल देंगे। बेसिकली एक मंशा है कि अवेयरनेस जनरल कम्युनिटी के अंदर बढ़े और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, खासतौर से हमारे युवा लोग। गेल्या काही दिवसांमध्ये असं लक्षात आलेलं आहे, लॉकडाऊन उठल्यानंतर 2021 तरी ओवर स्पीडिंग खूप जास्त व्हायला लागले लोकांकडून, आणि खूप दिवस 1-1.5 वर्ष घरी बसल्यानंतर लोक बाहेर पडल्यानंतर थोडंसं रॅश झालेत असं दिसतं आहे, आणि त्यामुळे ॲक्सिडेंटमध्ये वाढ झालेली आहे। आता नागपूर शहरामध्ये जास्तीत जास्त ॲक्सिडेंट जे होतात ते एकतर पायी चालणाऱ्यांचे किंवा टू व्हीलरवाल्यांचे होतात। जे टू व्हीलरचे ॲक्सिडेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये असं आमच्या लक्षात आलं की 90% वर ॲक्सिडेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये जो मयत आहे त्याने हेल्मेट घातलेलं नव्हतं, त्यामुळे हेड इंजुरी होऊन ॲक्सिडेंट्समध्ये त्याचं डेथ होते। त्या दृष्टिकोनातून ट्रॅफिक ब्रँचने पुढाकार घेऊन ही मोहीम केलेली आहे। याच्यामध्ये 1 आठवडा आम्ही ही मोहीम चालवणार आहोत। आज रोजी आम्ही ज्यांनी सिग्नलवरती थांबवून हेल्मेट घातलेलं नाही त्यांना आम्ही हेल्मेट प्रतिकात्मकरित्या हेल्मेट्स आम्ही वाटप करणार आहोत, ज्यांनी हेल्मेट वापरावं यासाठी। तर त्यानंतर पूर्ण आठवड्याभरामध्ये
शहरातल्या संपूर्ण सगळ्या चौकांमध्ये महत्त्वाच्या चौकांमध्ये आम्ही ज्यांनी ज्यांनी हेल्मेट वापरलेलं आहे घातलेलं आहे त्यांना गुलाब पुष्प देण्याचा कार्यक्रम आहेत. त्याशिवाय अवेअरनेसचे कार्यक्रम आहेत, त्याच्यामध्ये स्किट आहेत, पथनाट्य आहेत, छोटे छोटे प्लेज आहेत आणि पोस्टर्स आणि बॅनर्स घेऊन विविध चौकांमध्ये स्वयंसेवक उभं राहणार आहेत आणि लोकांचं एज्युकेशन करून त्यांना हेल्मेट जागरूकचं अवेअरनेसच्याबद्दल हे करणार आहेत. तसा एकंदरीत हा सुरक्षा रस्ता सुरक्षेचाच आमचा प्रयत्न आहे. आजच्या दिवशी आम्ही हेल्मेट घालण्यावरती जास्त भर दिलेला आहे. हा त्यासाठीच ते थोडंसं हे होतं, अटेन्शन त्यामुळे पटकन येतं आणि लोकांना त्याचं गांभीर्य कळतं. यम आणि डॉक्टर एक जीव घेणारा आणि एक जीव देणारा असे दोन्ही आम्ही सोबत आणलेले आहेत. जसे की हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि जो हेलमेट लगाकर आ रहे हैं उन्हें फूल देकर उनका स्वागत किया जा रहा है. और यम और डॉक्टर ये जो संकल्पना है ये 7 दिन तक चलती रहेगी. कहीं ना कहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि कहीं ना कहीं हेलमेट का वापर ज़रूर करें और अपनी जान की सुरक्षा खुद करें. फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज़ के साथ. कैमरा पर्सन राजेश, जोया खान के साथ, नागपुर.